नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की मातु नर्मदे मातु गंगे श्री मातु नर्मदे हर हर महादेव शंभु। आज गंगा सप्तमी, कहते हैं गंगा सप्तमी वैशाख मास की जो सप्तमी है आज, आज ही के दिन इस भूतल पर गंगा का प्रकटीकरण हुआ, इस भागीरथी का प्रकटीकरण हुआ। गंगा को श्रेष्ठ माना गया है, सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। गंगा यदि श्रेष्ठ है तो नर्मदा को ज्येष्ठ बोला गया है। गंगा को श्रेष्ठ और नर्मदा को ज्येष्ठ बोला गया है। जब इस भूमंडल पर वैशाख मास की सप्तमी की तिथि यानी आज गंगा सप्तमी के दिन कहते गंगा का प्रकट उत्सव यहाँ इस भूतल पर हुआ, इसके पीछे भागीरथी मतलब जिस वंश में राजा राम का जन्म हुआ उनके राजा राम के पूर्वजों ने अपने पितरों के श्राद्ध के लिए, पूर्वजों के श्राद्ध के लिए, पितरों के तर्पण करने के लिए घोर तप किया और भागीरथी जिसको हम गंगा बोलते हैं वो अयोध्या के सम्राट राजा भागीरथ वो माध्यम बने इस भूमंडल पर गंगा के अवतरण के लिए। इसीलिए गंगा को भागीरथी बोलते हैं। लेकिन नर्मदा के साथ गंगा का क्या संबंध है? और कहते हैं कि गंगा ही नहीं जितने भी भूमंडल में तीर्थ है, जितने भी देव और देवी देवता है वो साल में एक बार नर्मदा के तट पर अवश्य आते हैं, नर्मदा जी से मिलने के लिए। समस्त तीर्थ में विद्यमान जो भी देव और शक्तियां हैं वो वर्ष में एक बार जो है वो नर्मदा के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं नर्मदा के तट पर। पृथ्वी का पहला सम्राट हुआ राजा मनु, हम वहां से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा को श्रेष्ठ और नर्मदा को ज्येष्ठ माना गया है। तो पृथ्वी के पहले सम्राट हुए राजा मनु, हमारा जबलपुर त्रिपुर तीर्थ से नर्मदा के तट से गंगा का राजा राम का और उनके वंशजों का क्या संबंध रहा है? और गंगा के अवतरण से पहले कहते हैं किसी भी देव का या किसी भी शक्ति का जब भूमंडल पर अवतरण होता है तो उसके पहले कुछ कारण बनते हैं अवतरण होने के लिए। ऐसे ही कुछ कारण था गंगा का। राजा मनु ने स्कंद पुराण का रेवा खंड और शिव की वो नंदी गीता में जब नर्मदा के तट पर मार्कंडेय ऋषि पांडवों को नंदी गीता का वो रहस्य बता रहे थे, नर्मदा क्या महत्व बता रहे थे।